आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं बॉम्बिनो की सेवइयां। आपको दिखा देती हूँ मैं, ये रोस्टेड सेवइयां है और ये मैंने इसमें वेजिटेबल लिए हैं। इसमें आलू है, गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, इनको मैंने चॉप कर लिया है और मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डालने के बाद इसमें थोड़े से मस्टर्ड डाले हैं और गर्म होने के बाद और फिर ये वेजिटेबल्स डाल दिए। जैसे ये वेजिटेबल्स सॉटी हो जाएंगी इसमें हम अपने थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें मसाले कोई नॉर्मल मसाले होते हैं जैसे कि धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़ा सा गर्म मसाला खटा है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है ये। सुबह सुबह आप भी बना सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट में ये बन जाता है। आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी जो है सब्जियाँ सॉटी हो चुकी हैं और बाकी अभी अब जब हम इसमें अपनी बॉम्बिनो की सेवइयाँ डालेंगे उसके बाद भी पानी डालने के बाद ये पकेंगी तो अब इसमें हम मसाले डालते हैं। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार डाल रहा है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। गर्म मसाला अभी हम बनने के बाद डालेंगे। हम इसे चलाएंगे। जो ऑफिस वगैरह जाने वाले होते हैं या सिंगल रहते हैं या तो उनको ये बनाने में बहुत ही आसान लगेगा ये। अब हम जो आप अगर अकेले हैं तो आप आधी कटोरी सेवइयां बना सकते हैं। मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ तो अपने अंदाजे से बना रही हूँ। अब मैं इसमें सेवइयां डालूँगी। पूरी गैस की फ्लेम मैं तेज कर दूँगी, इसको हल्के से चलाएंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपने आधी कटोरी सेवइयां बनाई है तो आप उसमें कम से कम एक गिलास पानी डालें। मैं पानी अपना अंदाजे से डाल दी हूँ क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे मालूम है कि कितना पानी जाएगा। आप मैनेजमेंट के हिसाब से डाले, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के हिसाब से डालिएगा। फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सेवइयां हमारी। अब इसमें बॉयल आने के बाद, इसमें एक बॉयल आने के बाद गैस को मंदी कर देंगे। 5 मिनट में जैसे पानी इसका जल जाएगा मुझे तैयार हो जाएगी गाइस। देखिए गाइस हमारी जो है सेवइयों के अंदर जो है बॉयल आ चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे स्लो फ्लेम पे और ये पानी जल जाएगा। उसके बाद हम इसको हटा के ढक्कन, उसके अंदर हम हल्का सा गरम मसाला और अपने धनिए से इसको गार्निश करेंगे। तो 5 मिनट अभी हम इसको रखते हैं। गाइस देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल सूख चुका है और हमारी सेवइयां बहुत अच्छी सी बन चुकी हैं, गल चुकी हैं पूरी। अब इसमें हम थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग गरम मसाला डालेंगे। आप डालना हो तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनेबल है। और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया डालेंगे, साथ में चाय बन रही है इधर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स मेरे चैनल को कर दीजिएगा, माय यूट्यूब चैनल सपना वस ब्लॉग। थैंक यू गाइस। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, वेजिटेबल सेवइयां साथ में पनीर सैंडविच और चाय, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप अगर हमारे इस के सो यम्मी।